का बहुत खूबसूरत है। मैं तो यहाँ के रूम्स का फ़ैन हूँ। उसकी ख़ास वजह यह है कि रूम्स आपको बाहर भी शायद और भी जगह पे खूबसूरत मिल जाए, लेकिन इतनी इकनॉमिकल प्राइस में, यानी इतना बड़ा रूम सिर्फ 170 रियाल में इन सिटी ऑफ मक्का, और ऐसा होटल जिनकी अपनी प्राइवेट शटल्स हों जो हर 15 से 20 मिनट में होटल से मस्जिद हरम, मस्जिद हरम से होटल आ रही हों, मैंने मक्का के अंदर इतना अच्छा पैकेज नहीं देखा। लमर अजियाद होटल के अंदर 2 टावर्स हैं, टावर ए एंड टावर बी। इन माय एक्सपीरियंस इनका जो टावर बी है वो थोड़ा सा ज़्यादा एलीट है, थोड़ा सा ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, उसके रूम्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं। और अभी इनके पास रिसेप्शन पे जाता हूँ और इनसे पता करते हैं कि इनके पास कौन सा टावर में इस टाइम रूम जो है मेरे लिए अवेलेबल है। आई वुड ट्राई कि मैं इनके जो बड़े रूम्स हैं जिनसे सिटी व्यू नज़र आता है वो वाले रूम्स इनसे रिक्वेस्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, मैं इस टाइम मौजूद हूँ टावर बी लमर होटल में। बहुत से रूम्स जो मक्का के अंदर मिलते हैं उनके अंदर एक चीज़ मिस होती है, और वो होती है बैठने की जगह। आपको बेड स्पेस भी मिल जाएगी, मे बी नीटनेस भी मिल जाए, लेकिन रूम के अंदर टेबल होना, चेयर होना और सोफ़ा होना, ये आमतौर पे ये वो सब फैसिलिटीज़ हैं जो आपको शायद 5-स्टार होटल में, क्लॉक टावर में, जबले उमर में मिले, लेकिन वो आपको यहाँ लमार में ज़रूर मिलेंगी। ये होटल तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है मस्जिदुल हराम से, और वो जो है बस शटल सर्विस जो है इस होटल की मौजूद है। यहाँ पे 2 बेडरूम्स जो हैं वो तकरीबन 170 का है जो कि मुझे अभी मिला है, अच्छा खासा माशाल्लाह बड़ा साइज़ है रूम का। और 3 बेड जो हैं वो आपको 190 तक चले जाते हैं, और 4 बेड जो हैं वो तकरीबन 200 से 220 तक जो है वो मिल जाता है लमार अजियाद में। इस होटल में खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, इनके अपने रेस्टोरेंट हैं मेज़नाइन फ्लोर्स पे, और वहाँ पे आपको बुफे जो है ब्रेकफास्ट पे मिल जाता है, दे चार्ज एक्स्ट्रा 30 रियाल, और उसके अलावा लंच और डिनर पे भी बुफे की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी तकरीबन 35 to 40 रियाल जो है पर पर्सन दे चार्ज अबव द रेंट ऑफ द रूम। तो ये पर पर्सन जो चार्ज है नाश्ते का या दोपहर के खाने का या रात के खाने का, ये इस रूम रेंट के अलावा होता है। चाय के लिए जो है केटल वो भी इस रूम में मौजूद है, कप्स, पानी, टी बैग्स, और उसके अलावा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है वो भी पड़ा हुआ है। ये होटल का मेन्यू जो है वो मेरे सामने है, जिसके अंदर जो है ब्रेकफास्ट ओपन बुफे 35 रियाल का है, इसके अंदर जो है ओरिएंटल ब्रेकफास्ट अगर आप रूम के अंदर मंगवाना चाहें तो वो भी तकरीबन 35 रियाल का है, और उसके अलावा बेशुमार डिशेज़ जो हैं वो लंच में जो है वो डिनर के अंदर अवेलेबल होती हैं। एक चीज़ जो कम से कम मेरे आज के एक्सपीरियंस में मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस होटल की, वो इनका ये जो मैट्रेस हैं गद्दे हैं बहुत कंफर्टेबल हैं। टॉयलेट जो है मैं वो भी अब आपको दिखाता हूँ। सुबह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखा सकूँ, और जहाँ से मैं इनकी बस जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से यूज़ करूँगा शटल सर्विस और मस्जिद हरम जाऊँगा, और विल चेक के इस पर कितना टाइम लगता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। सो यहाँ पर अब लिफ्ट जो हैं वो बुलाते हैं। आप देखें माशाल्लाह यहाँ पे 4 लिफ्ट्स लगी हुई हैं इनके बी टावर में, और तकरीबन 4 ही हैं इनके पास लिफ्ट्स इनके टावर ए में। लिफ्ट्स किसी भी होटल में ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पर जिस टाइम चेक इन चेक आउट टाइम्स होते हैं
या नमाज़ों का टाइम होता है, अगर आपके पास लिफ्ट्स कम हो तो ये चीज़ जगह बहुत क्राउडेड हो जाती है, और मे बी आपको हाफ आवर से भी ज़्यादा सिर्फ लिफ्ट्स से ऊपर नीचे जाते लग जाता है। से वापस आया हूँ, और इस टाइम मैं दिन का टाइम है, और मैं चाहता था कि आप लोगों को डे टाइम का ज़रूर जो है व्यू दिखाऊं जो इस होटल की विंडो से आता है। सो जी, ये है सिटी व्यू जो इस होटल की विंडो से आपको 14th फ्लोर से नज़र आता है। सामने ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये क्लॉक टावर से भी बड़ा जो है टावर बनने की तैयारी हो रही थी, और अभी तो प्रोजेक्ट ऑन होल्ड है फिलहाल। और सामने हमारे यहाँ पे क्लॉक टावर है। अब हम चलते हैं और आपको मैं जो है विज़िट करवाता हूँ इनका डाइनिंग हॉल, जो कि आर फ्लोर के ऊपर है, और जहाँ पे ये ब्रेकफास्ट बुफे सर्व करते हैं, उसके अलावा लंच और डिनर बुफे जो है वो सर्व करते हैं। लेट्स गो। जी गाइस, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ इनके रेस्टोरेंट में, और आपको एक टूर जो है लगवाते हैं इनके रेस्टोरेंट का और इनके डाइनिंग हॉल का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? जी, तो यहाँ पे ये सर्व करते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि 35 रियाल जो है पर पर्सन कॉस्ट करते हैं। बच्चे बच्चे चल जाते हैं 7-8 से कम तो फ्री में, और उसके बाद जो है वो हाफ प्राइस होती है। एनी हाउ, जो लंच पे और डिनर के बुफे हैं, जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, वो आमतौर पे ग्रुप्स वगैरह के लिए होते हैं, और उसके अलावा लेकिन रूम सर्विंग जो है आपको एक मील जो है 30 to 35 रियाल के अंदर मिल जाती है। इस होटल की सबसे ख़ास बात यह है कि इनके पास फ्री पार्किंग है, और अच्छी खासी पार्किंग है। कम से कम कोई 50-60 गाड़ियाँ जो हैं वो इनकी फ्री पार्किंग, जो इनकी जिसके अंदर सिक्योरिटी भी इन्होंने रखी हुई है, उसके अंदर जो है इनके पास स्पेस अवेलेबल है।